हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स साइंस के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो जो चैप्टर का नाम है आपका सोर्सेज ऑफ फूड, यानी फूड के सोर्स क्या क्या हैं उसको हम पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द थिंग दैट वी ईट एंड विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द बॉडी इज कॉल्ड फूड। तो बेसिकली फूड क्या होता है, जो चीज़ें हम खाते हैं जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उसे हम फूड कहते हैं। फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितने भी जीवित चीज़ें हैं, चाहे जीवित ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके बेसिक नीड है। जैसे कपड़ा ज़रूरत होती है, उसी तरीके से फूड की भी ज़रूरत होती है। दे नीड फूड टू ग्रो। उन्हें फूड की ज़रूरत क्यों होती है, ग्रो करने के लिए, कि वो बढ़ें, सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए, एंड वेरियस एक्टिविटीज़। जैसे कि आप कितनी भी एक्टिविटीज़ करते हो, जैसे कि आप खेल रहे हो, दौड़ रहे हो, पढ़ रहे हो, ऑल एक्टिविटीज़ जितनी भी करते हो उसके लिए आपको फूड की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि आपको इससे क्या न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी टेक्स इन फूड एंड यूज़ इट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। सो बेसिकली आपका न्यूट्रिशन क्या है अगर हम डिफाइन करें तो, द प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हमारी बॉडी क्या करती है, फूड को क्या करती है, लेती है। हम अपने माउथ के थ्रू फूड को इनगल्फ करते हैं, फिर क्या करते हैं, और इस फूड को हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है, फिर वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसको हम क्या करते हैं, हम फूड को क्यों यूज कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ के लिए, कि हमारी हाइट बढ़े, हम हेल्दी हों, तो ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं, एंड डेवलपमेंट के लिए, कि हमारी बॉडी की जो डेवलपमेंट है, चाहे वो हम हाइट में हो, चाहे हमारे माइंड डेवलपमेंट हो, चाहे हमारा कॉग्निशन डेवलपमेंट हो, चाहे हमारे दिमाग की वृद्धि हो, तो ये सब क्या है, ये जो प्रोसेस होती है जब हम फूड को एज अ न्यूट्रिशन लेते हैं जिससे हमारी बॉडी का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। फूड कंटेंट्स न्यूट्रिएंट्स। तो ये न्यूट्रिशन एक प्रोसेस हो गई जिसके थ्रू हम फूड को लेते हैं, लेकिन फूड में क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को नीड होती है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, जिससे हमारा ग्रोथ होता है, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स हेल्प आवर बॉडी इन मैनी वेज। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी की हेल्प करते हैं अलग अलग तरीके से। लेट अस नो मोर अबाउट द फंक्शन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि फंक्शन क्या होता है फूड का, आखिर फूड क्यों ही खा रहे हैं हम, क्यों भोजन खा रहे हैं, क्यों खाना खाते हैं हम। तो इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, यानी जो हमारी बॉडी में रहता है कुछ ना कुछ इसके कार्य होते हैं। सो उसको देख लेते हैं। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है फूड। दिस एनर्जी इज़ यूज फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग एंड स्टडिंग। आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो, आप अवेक हो, आप जगे हुए हो, किसकी वजह से, फूड की वजह से, क्योंकि फूड से हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, जिसकी वजह से आप वॉकिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो और अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। फूड हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अ बॉडी ग्रोज एंड बिकम्स एन एडल्ट बाई टेकिंग फूड। कभी आपने सोचा है कि बहुत छोटे होते हो और आपकी मम्मा आपको डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स देती है, चाहे वो अलग अलग दूध पिलाकर या अलग अलग तरीके से आपको खिलाती है, फ्रूट्स खिलाती है, तब आप छोटे से इतने बड़े बनना शुरू हो जाते हो, आपकी ग्रोथ होती है। तो बेसिकली क्या है, फूड क्या कर रहा है, आपकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत हो रही है, ठीक है। अ बॉडी ग्रोज एंड बिकम्स एडल्ट, और आप छोटे से एक बड़ा बन जाते हो, किसकी वजह से, फूड्स की वजह से, जिस फूड को आप खा रहे हो। इट हेल्प्स इन द रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट सेल्स ऑफ आवर बॉडी। बेसिकली ये आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, डैमेज सेल्स हैं, या फिर जो आपके बॉडी में सेल्स हैं, इनको क्या कर रहा है, रिपेयर कर रहा है, उनको बना रहा है और रिपेयर कर रहा है। रिपेयर करना मतलब उनको फिर से एक नए सेल में बना रहा है। और बॉडी मेक्स न्यू सेल एवरी टाइम। तो हमारी बॉडी क्या है, क्योंकि हमारी बॉडी हर टाइम एक न्यू सेल बना रही है, किसकी वजह से, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, क्योंकि हमारी बॉडी फंक्शन तभी करेगी जब हम फूड खाएंगे और हमको उसको से क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, ठीक है। फूड प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम जर्म्स एंड डिजीजेज। जो फूड होता है, लोग कहते हैं अच्छा खाओ, अच्छा पियो, क्योंकि आपकी बॉडी क्या रहेगी, हेल्दी रहेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो क्या कर रहा है कि हमारी बॉडी को जर्म्स से बचाता है और डिजीज से बचाता है, जैसे आपको कोई बीमारी नहीं होगी अगर। इट हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन। और ये किसी भी तरीके से इन्फेक्शन होता है उससे मदद करता है, उससे लड़ने में मदद करता है, ठीक है।
ओके लेट्स यहाँ देखते हैं, लेट्स डिस्कस वैरायटी ऑफ फूड, कितने वैरायटी के फूड होते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड अवेलेबल टू अस, बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के फूड अवेलेबल हैं हमारे लिए। सम लाइक टू ईट वेजिटेबल्स फ्रूट्स वाइल सम अदर लाइक मीट एंड एग्स। जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं जो इनमें से कुछ क्या है, वेजिटेबल्स खाते हैं, जो बस साग सब्जियाँ खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो मीट खाते हैं, एग्स खाते हैं, मांस खाते हैं, अंडे खाते हैं। पीपल लिविंग इन डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स, दे ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर जो लोग होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट जगह रहते हैं, तो वहाँ का फूड का जो है वो अलग होता है, फूड हैबिट्स भी अलग होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में रहते हो और आप महाराष्ट्र में जाओगे, तो वहाँ की फूड हैबिट्स थोड़ी तो अलग होंगी ही, वहाँ पे अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। दे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मतलब दे ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, वो भी क्या करते हैं, वो अलग अलग तरीके के फूड खाते हैं, डिफरेंट फूड हैबिट्स होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है उसको देखते हैं, वो भी देख लेते हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाते हैं उन्हें वेजिटेरियन कहते हैं, और जो आपके मीट और एग्स खाते हैं उनको कहते हैं नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट है जो आपका ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें आपको कैसे क्या करना है, एम क्या है, यानी नो द वैरायटी ऑफ फूड पीपल ईट। इसमें आपको जानना है कि कितनी वैरायटी के या डिफरेंट डिफरेंट फूड होते हैं जो लोग खाते हैं। तो क्या करना है, आपको प्रोसीजर बताया गया कि किस स्टेप में आपको क्या करना है। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स व्हाट दे हैव गॉट फॉर लंच टुडे। आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है कि उन्होंने लंच में क्या लाया है। डू ऑल ऑफ देम कैरी सिमिलर टाइप ऑफ, क्या उन लोगों ने सभी ने एक ही जैसा खाना तो लेके आए हैं, एक ही जैसा फूड लेके आए हैं। व्हाट हैव ऑल ऑफ देम गॉट, उनको क्या मतलब क्या क्या लेके आए वो आपको पता करना है। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड फाउंड इन लंच बॉक्सेज ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। तो जैसे कि आपने देखा कि जो डिफरेंट आपके फ्रेंड्स हैं उनके लंच भी डिफरेंट डिफरेंट है, कोई मैगी लेके आया होगा, कोई पास्ता लेके आया होगा, कोई सब्जी रोटी लाया होगा, कोई जैसे यहाँ पे दिया गया है पूरी आलू सब्जी पोहा सैंडविच और ऑमलेट कोई लेके आया है। तो आपको इस तरीके से वैरायटी मिलेगी। तो क्या आपको ऑब्जर्व करना है, यू कैन सी डिफरेंट स्टूडेंट्स कैरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, मेक अ लिस्ट ऑफ फूड कैरीड बाय योर फ्रेंड्स। आपको इन सब का लिस्ट बनाना, ओके उसके बाद बात करते हैं वैरायटी ऑफ फूड इन अ डे। मतलब आप खुद ही एक दिन में वैरायटी ऑफ फूड यानी डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते हो, जैसे कि मॉर्निंग में आप, लंच में अलग, डिनर में अलग। तो इस तरीके से आप भी डिफरेंट डिफरेंट फूड को क्या करते हो, कंज्यूम करते हो। जैसे कि वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड ड्यूरिंग द डे। ठीक है, आप एक दिन में ही मतलब अलग अलग फूड खाते हो। द मेन्यू ऑफ ब्रेकफास्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट फॉर द लंच ऑफ और डिनर। अगर आपने देखा होगा कि आपके जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होता है वो अलग होता है आपके डिनर और लंच से। तो मेन्यू फॉर ब्रेकफास्ट कैसा होना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए। जैसे कि हम खाते हैं, वी ईट चपाती सब्जी पूरी पराठा रायता पोहा इडली उपमा बटर टोस्ट कॉर्न फ्लैक्स मिल्क एग्स फ्रूट्स इन ब्रेकफास्ट। तो ये सब चीज़ें हम ब्रेकफास्ट में खाते हैं। मेन्यू फॉर लंच में हम क्या करते हैं, मतलब वी ईट चपाती राइस दाल सब्जी फिश करी मटन चिकन करी एग करी सलाद कर्ड एंड बिरयानी फॉर लंच। तो ये अलग हम लंच में खा रहे हैं। अब इवनिंग में भी कुछ लोग खाते हैं, मेन्यू फॉर इवनिंग स्नैक्स वी ईट सैंडविच नूडल्स डोसा एंड फ्रूट्स एज इवनिंग स्नैक्स। ओके, लास्ट में आपका आता है डिनर। मेन्यू फॉर डिनर वी ईट चपाती राइस दाल सब्जी फिश करी चिकन करी एग करी सलाद कर्ड बिरयानी फॉर डिनर। ये आपको बस एग्जांपल बता रही है, ये नहीं बताइए आप यही खाते हैं। आपके घर में अलग बनता होगा, सबके घर में अलग अलग बनता होगा, लेकिन जो मेनली है यानी हम कह सकते हैं कि खाया जाता है पीपल द्वारा, ये सब खाया जाता है। सो फूड हैबिट्स ऑफ पीपल, तो कुछ फूड हैबिट्स हैं पीपल के, वो बताएं कि किस तरीके से लोग क्या क्या खाते हैं। पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट इन इंडिया ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। जैसे कि अभी मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि इंडिया में
अगर 28 स्टेट्स हैं तो 28 स्टेट्स में अलग अलग वैरायटी की फूड्स बनते हैं, अलग अलग फूड हैबिट होता है, अलग अलग तरीके से खाते हैं। जैसे आप केरला में चले गए, महाराष्ट्र में चले गए, गुजरात में चले गए, तो अलग अलग तरीके से बनते हैं। द फूड काइंड ऑफ फूड द ईट डिपेंड्स ऑन इट्स अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब क्या, जो उपलब्ध हों, वो जो ये फूड के काइंड्स क्या, जहाँ पे जो चीज़ें ज़्यादा होंगी वहाँ पे वो चीज़ें खाई जाएंगी। और द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस एंड पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, यानी वहाँ का क्लाइमेट कैसा, किस तरीके से फसल उगाई जा रही है, क्रॉप्स कैसा है, जो चीज़ें अवेलेबल होंगी वही खाएंगे। और डिसलाइक लाइक्स भी, क्या पसंद करते क्या पसंद नहीं करते उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पीपल लिविंग इन द सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया मोस्टली ईट राइस, क्योंकि आपको पता होगा कि सदर्न स्टेट्स जो हैं आपके, वहाँ पे राइस ज़्यादा होते होंगे, इसलिए राइस खाना पसंद करते हैं। पीपल लिव इन द नदर्न स्टेट, यानी जो आपके ये इस तरीके से अगर आप मैप बनाएंगे तो आपको पता होगा कि, एक मिनट मैं यहाँ रफली आपको बना के दिखा देती हूँ, ठीक है, समझने के लिए आप, सॉरी तो फ्लावर लग रहा है, वन मिनट, स्पेस कम है यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, इधर आप ओके, इसको बस ऐसे जज नहीं करिएगा, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये जो आपका सदर्न है, ये साउथ ही पर्सन ही नॉर्थ पर्सन, यहाँ के जो स्टेट होंगे ये लोग राइस ज़्यादा खाते हैं। अब हम बात करते हैं नॉर्दर्न यानी इधर के जो लोग हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, चपाती ज़्यादा खाना पसंद करते हैं इधर के लोग, उत्तर वाले, ठीक है। और पीपल हु ईट मीट आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन, तो जो लोग मीट खाते हैं उन्हें हम नॉन वेजिटेरियन कहते हैं। द पीपल डू नॉट ईट ईट मीट आर कॉल्ड वेजिटेरियन, जो बस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खाते हैं उन्हें हम वेजिटेरियन कहते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल क्या होते हैं, जो रिलीजन वाले ज़्यादातर लोग अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो ज़्यादातर वो लोग वेजिटेबल्स खाते हैं, बहुत से लोग हैं, अभी तो ऐसा नहीं होता फ़िलहाल, अभी सभी जो पसंद है वो खाते हैं, डिपेंड्स ऑन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ओके, टू नो द फूड आइटम्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, आपको ये भी करना है परफॉर्म, इसमें आपको क्या करना है, राइट टू मेन फूड आइटम्स ऑफ इच द स्टेट गिवन बिलो, आपको दो फूड आइटम लिखना है कि जैसे पंजाब में क्या खाया जाता है, और आपको उसी के रिलेवेंट यानी उसी के अकॉर्डिंग पिक्चर भी आपको यहाँ लगानी है। तो एक कॉलम में आपको यहाँ पे क्या करनी है, फूड आइटम्स जो खाए जाते हैं वन और टू डाल के यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही पिक्चर्स लगाने होंगे, लाइक पंजाब, गुजरात, राजस्थान एंड तमिलनाडु स्टेट्स के। ओके, ऑब्जर्वेशन क्या है कि आप क्या सीख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। इट इज़ ऑब्जर्व दैट पीपल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन डिफरेंट स्टेट्स, तो आपको पहले भी पता था कि डिफरेंट टाइप के फूड खाते हैं डिफरेंट स्टेट्स के। ओके, नेक्स्ट कम टू द फेस्टिवल एंड फूड। फेस्टिवल एंड फूड्स यानी कुछ ऐसे भी फूड होते हैं जो किसी फेस्टिवल से जुड़े होते हैं, यानी जैसे कि होता है ना कि आपके घर में कोई फेस्टिवल या कोई त्यौहार है, तो आपको उस दिन ये चीज़ें बनेंगी। जैसे कि मान लो यूपी में क्या होता है कि होली के दिन गुजिया बनाए जाते हैं, सेवइयाँ ईद में बनाया जाता है, खीर बनाया जाता है ईद में, इस अलग अलग फेस्टिवल से जुड़े होते हैं। खिचड़ी बनाई जाती है जैसे मकर संक्रांति के दिन, तो अलग अलग फेस्टिवल से जुड़े जो फूड होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल इन इंडिया, वी मेक स्पेशल डिशेज ड्यूरिंग फेस्टिवल, जो हम इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, आई डोंट नो कितने सारे आ जाते हैं वन ईयर में, छुट्टियाँ भी बहुत होती हैं बच्चों की, तो इसमें क्या होता है कि फेस्टिवल में बहुत सारी डिशेस बनाई जाती हैं जो उसी फेस्टिवल से जुड़ी होती हैं, उसी त्यौहार से जुड़ी होती हैं। डू यू रिकॉल द टेम्पटिंग अरोमा ऑफ सेवइयाँ ड्यूरिंग ईद, हाँ, सेवइयाँ खीर वगैरह का जो स्मेल होता है ना, अरोमा जो उसमें पड़ता है जिससे स्मेल आती है, वो आप जब आप अगर आप ईद मना से होगे तो आपको पता होगा कि उसकी स्मेल कितनी अलग होती है। डू यू रिकॉल द टेम्पटिंग अरोमा ऑफ गुजिया ड्यूरिंग होली, मतलब आपको होली के टाइम गुजिया जो बनाई जाती है उसकी महक, उसकी खुशबू, उसकी जो टेस्ट होता है आपको भी याद आ जाता है कि होली के टाइम ही बनता है गुजिया, अदरवाइज वैसे तो नहीं बनता, अगर जिसको बनाना है तो बना सकता है, लेकिन मेनली जो फेमस किसके लिए है, होली के टाइम के लिए। ऑन दीज स्पेशल ओकेजन्स यू कैन ऑल्सो सी पीपल बाइंग स्वीट्स,
और मिठाइयाँ भी खरीदते हैं इन त्योहारों में लोग, जिन जो नहीं बना पाते वो तो मार्केट से भी खरीद सकते हैं। सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्वीट डिशेज आर ऑल्सो नोन एज डिज़र्ट। ठीक है, ये आपका डेजर्ट नहीं है, डिज़र्ट है वो, डेजर्ट है, स्पेलिंग अलग होता है, DSERT होता है वो, रेगिस्तान वाला डेजर्ट होता है, डिज़र्ट है। ठीक है, पीपल जो क्या करते हैं खाना खाने के बाद मीठा खाते हैं, और ठीक है ये आपको जानना ज़रूरी था तो मैंने बता दिया। उसके बाद बात करते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, ये इम्पोर्टेंट है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं फूड में, मतलब जिस तरीके से क्या क्या ज़रूरत पड़ती है किसी भी फूड को कुक करने के लिए। घर में मम्मी बनाती होंगी, आपने देखा होगा उसमें अलग अलग, ऐसा नहीं कि आप राइस ले लिए तो राइस बन गया, नहीं, राइस बनाने के लिए और भी कुछ चाहिए होता है। वी कैन मेक अ डिश फ्रॉम सिंगल आइटम और वी कैन मेक अ डिश फ्रॉम अ सिंगल आइटम और फ्रॉम मैनी आइटम्स। हम एक डिश को, मतलब हम एक डिश यानी एक तरह के आइटम को बना सकते हैं एक सिंगल से ही, या तो बहुत सारे, एक मतलब आपके पास अगर मैदा है या कह सकते हैं बेसन है तो उससे आप बहुत कुछ बना सकते हो। दीज आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स, मतलब आपको इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है कि आप एक ही मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, कुक्ड दाल कंटेन अ पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ पल्सेस, सिमिलरली चपाती कंटेन स्वीट फ्लोर नीडेड विद वाटर एंड समथिंग फ्लोर हैविंग मिक्स अदर ग्रेन्स। तो बस ये सारी चीज़ें मिली होती हैं, जैसे कि पानी मिला के आप क्या पानी डालते हो, आप चपाती बनाते हो तो, अगर आप खीर बनाते हो तो उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डालते हो, इंग्रेडिएंट्स डालते हो, मसाला, जैसे सब्जी बनाने में मसाला यूज़ करते हो, तो इस तरीके से चपाती बनाने में भी क्या होता है कि आप पानी डालते हो और अदर ग्रेन्स भी उसमें मिक्स होते हैं, अदर जो अनाज होते हैं, दालें होती हैं, सब अलग अलग तरीके से अगर मिक्स होती हैं तो बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द फूड कंटेन मोर देन वन इंग्रेडिएंट, बट बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जो उनमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट, एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स, फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल दाल में लुक वेरी सिंपल बट अ बोल ऑफ दाल कंटेन्स एटलीस्ट थ्री इंग्रेडिएंट। जैसे कि आप दाल बनाते हो, दाल कुक करते हो तो आपको लगता है कि दाल ऐसे ही बन गया, नहीं, दाल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो अगर आपको सिंपल, फॉर एग्जांपल दाल में लुक वेरी सिंपल बट अ बोल ऑफ दाल कंटेंस अ लिस्ट थ्री इंग्रेडिएंट्स, जब आप दाल बनाते हो उसमें थ्री इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि अ प्लेन दाल कंटेन पल्सेस, दाल होती हैं, स्पाइसेस डालते हो, मसाला डालते हो, जैसे कि आप हल्दी डाल देते हो, नमक डालते हो, तो ये बनाने के लिए तीन इंग्रेडिएंट्स ज़रूरत पड़ती है, मेनली तीन ही ज़रूरत पड़ती है, हल्दी, टर्मरिक डाल दिया जाता है, नमक डाल दिया जाता है और पानी की ज़रूरत पड़ती है, और आपकी पल्सेस, यानी पल्सेस भी आपका इंग्रेडिएंट है, जो आप दाल बनाओगे तो दाल की ज़रूरत पड़ेगी ही। ठीक है, बट नॉट मैनी पीपल लाइक अ बोल ऑफ अ सिंपल दाल, सो दाल इज़ यूजली सीजन विद अनियन टोमेटो कोरिएंडर लीव्स गार्लिक एंड क्यूमिन इन ऑयल और घी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दाल को तड़का लगा देते हैं, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स भी ज़रूरत पड़ती है जो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, अनियन यूज़ करते हैं, चिली यूज़ करते हैं, दाल को तड़का लगा के खाते हैं, घी ज़रूरत पड़ती है, तो अपना अपना चॉइस होता है। अगर सिंपल दाल बनाते हो तो आपको ये ज़रूरत पड़ती है। ओके, यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट दिया गया है, इसको रीड करते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या कह रहा है, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस फूड दैट यू ईट, राइट देयर इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि आप लंच में, ब्रेकफास्ट में कभी भी क्या क्या खाते हो वो आपको यहाँ लिखना है, और उसको बनाने के लिए आप क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ज़रूरत पड़ती है, जैसे राइस में राइस और वाटर की ज़रूरत पड़ती है, दाल में क्या क्या ज़रूरत पड़ती है वो आप बताओगे, सब्जी में क्या पड़ती है वो बताओगे, रोटी बनाने में क्या क्या पड़ती है ये आप अपने अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि जो डिफरेंट डिशेज होती हैं अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से बनती हैं, अलग अलग इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है, द मेथड ऑफ कुकिंग अ पर्टिकुलर फूड इज़ कॉल्ड रेसिपी, मतलब एक सब्जी बनाने की जो होती है अलग रेसिपी होती है तो उसको रेसिपी कहते हैं। ठीक है, ओके, सोर्सेज ऑफ फूड की बात करते हैं, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो कंटिन्यू करिएगा।
आप वीडियो ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, एंड आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।